सवाल है कि जैसे ये करंट अकाउंट बन गया है और अब मैं चाह रहा हूँ कि अमेजन और मीशो पे क्रिएट करना, और मैंने क्रिएट भी किया था लेकिन वहाँ पे इतना कंपटीशन है, वहाँ पे फोटोज वगैरह भी इतनी हाई क्वालिटी की है और मैंने जो फोटोज खींच के डाली तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, और प्लस जो मैं जहाँ से ले रहा हूँ होलसेलर से ले रहा हूँ तो वो मार्जिन लगा के मैं जितना भी कोशिश करूँ कम रखने की वो कॉम्पिटिटर से ज्यादा ही हो रहा है, तो मुझे लगता है कि क्यों मेरा बिकेगा फिर, उनका ऑलरेडी कम है इसलिए, तो इसमें मैं क्या करूंगी। भाई तो आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं कि आप वो उसी होलसेलर से लो या वही प्रोडक्ट चलाओ, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप मार्जिन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट, बताना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। आप आज जाइएगा इंडिया मार्ट, एक वेबसाइट है, इंडिया मार्ट पे जाइए और वहां देखिए अनियन पाउडर कितने रुपए का मिलता है। अनियन पाउडर, प्याज रहता है ना, कांदा प्याज, इसका पाउडर कितने रुपए का मिलता है, ठीक है? 1 किलो का आप वहां से रेट निकाल लीजिए, 1 किलो अनियन पाउडर का प्राइस निकाल लीजिए। और आप अमेजोन पे जाइए, आप देखिए वहां पर 100 100 ग्राम के पैकेट्स आपको मिलेंगे अमेजोन पे। जो 1 किलो का पैसा है वो कम रहेगा, 100 ग्राम के पैकेट का पैसा ज्यादा रहेगा। तो किस तरीके से आपको कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको बल्क में लेकर के आना है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में रीपैकेजिंग और रीब्रांडिंग करके बेचना है, ये डिपेंड करता है। आप क्यों होलसेलर से खरीद के और उसको जाकर के बेचना चाह रहे हैं, इसमें तो आपका पैसा अटकेगा और आपको जो है वो आपको हासिल उसूल कुछ नहीं होगा एंड ऑफ द डे में, ठीक है ना? जब भी अगर फराज आप भाई लाइव कर जैसे सकते हैं तो दिखा भी डेमो दीजिए। है, डेमो हाँ दिखा यहाँ पे दीजिए। अनियन पाउडर 65 रुपए किलो मिल रहा है, अनियन पाउडर जी तो ओके। मतलब हाँ आप कह रहे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अमेजोन पे जाइए जैन भाई, अभी, अमेजोन पे जाइए, अब बस अमेजोन में जा रहा हूँ 1 मिनट, यहाँ पे वहाँ पे रेट आप लोगों ने देख लिए ना, अब 65 अमेजोन रुपए पे जा किलो रहा हूँ जी। हम लोग बस एक लाइव डेमो देख रहे हैं ताकि देखो कितना कुछ आदमी बस बैठे बैठे बिजनेस कर सकता है, वहां से खरीदे यहां से आपने बेचा। तो अब यहाँ पे मैं अनियन पाउडर सर्च कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इंडिया मार्ट जैसे ऐसी होलसेल वाली वेबसाइट से खरीदिए। अब देखो यहाँ पे 195 रुपीज का दिख रहा है आप लोगों को, 195 रुपीज में 100 ग्राम मिल रहा है, वहां पे 65 रुपए किलो मिल रहा था अनियन पाउडर, यहाँ पे 195 रुपीज में 100 ग्राम मिल रहा है, अब और ये यहाँ देखिए 299 रुपीज यहाँ में जो सौ गेम ग्राम आता है। है ना, यहाँ जो गेम आता है, हाँ यहाँ सारा गेम आता है रीपैकेजिंग का, रीपैकेजिंग रीब्रांडिंग का, सारा गेम यहाँ शुरू होगा हाँ आपका, आपकी स्किल्स यहाँ शुरू होंगी, ठीक है ना? फोर सारा नाइनटी मार्जिन आप रुपीज भी है क्रिएट 100 ग्राम करोगे। के, नहीं, अनियन पाउडर 250 रुपीज भी है जी हाँ, तो 300 रुपीज भी है ऑर्गेनिक वगैरह के नाम के साथ जी, वही किस 135 भी है। ब्रांडिंग करते हो, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को हाँ मार्केट में प्लेस जी, करते हो, वो सारी चीजें डिपेंड उस पर करेंगी। तो देखिए तौसीफ भाई कई बार क्या होता है ना, दिमाग में होता है हमारे, रिस्क अल्लाह देता है, कस्टमर आता है मार्केट में, आप बेच रहे हो अपना प्रोडक्ट, अच्छा सब लोग इसमें ये बात समझो, अपने आप को ब्रांड बनाओ, क्यों मालूम है भाई, जूता सब लोग बेचते हैं, अब एक ब्रांड लगा दिया, ब्रांड बना तो ब्रांड से वैल्यू परसेप्शन बढ़ता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका ब्रांड पॉपुलर होता जाएगा वैसे वैसे लोगों में ये बात होगी कि ये ब्रांड के लिए पैसे देना बनता है, मतलब कि पैसे देंगे तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, यानी इसी वजह से अपने आप को ब्रांड बनाने, रीपैकेजिंग ब्रांडिंग अपनी ऐसी करो, प्रोफेशनल डिजाइन लोगो बनाओ और उसका आपका ट्रेडमार्क कर लो, आहिस्ता आहिस्ता उससे ब्रांड परसेप्शन से आप प्राइस ले सकते हो, प्राइस ले सकते हो। और क्या चीज हो सकती है कि जैसे आपने कहा कि इसके अंदर देख रहे हैं कि मार्केट में सब लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कॉम्पिटिटर्स में आप अपनी सोर्सिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ बल्क सोर्सिंग करके उसको रिटेल में बेचेंगे, ये सब चीजें इन्हें आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट में और कोई सजेशन? नहीं, असल में प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि हम लोग को ये चीज बेचनी है, हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते। वो आपको ना बैरियर तोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक द आइस, आपको वो चीज तोड़नी पड़ेगी, उसके बाहर सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब आप सोचिए कि मैं कोई क्लीनर बनाऊं, उसको फिर बॉटल में डालूं और फिर उसको अमेजोन में करूं, अरे क्या जरूरत है इतना माइंड को परेशान करने की। सिंपल सी चीज है, मार्केट में देखो आसपास क्या है, उसको रीब्रांड करके भेज दो, सिंपल सी बात है, दुनिया खरी ही रही है, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा। बाय द वे जैन भाई, इनसे रॉयल्टी ले लीजिएगा, जब इनका कारोबार चल जाए तो इनसे रॉयल्टी ले नहीं लीजिएगा अपने आइडिया की। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया बताया इंडिया मार्ट वाला, डेफिनेटली मैं इसको कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करने की। बहुत ठीक, बहुत शुक्रिया ओके, जजाकल्लाह, थैंक इस्लाम यू, वालेकुम, सलाम अब्दुल्ला।